वेलकम टू मानो नॉलेज सीरीज आज हम इन्फेंट हेयर स्क्रीनिंग डिस्कस करेंगे मैं आपको डॉक्टर के वी नारायण राव सीनियर आर्डोलॉजिस्ट हूँ आज हम सुनाई के बारे में जानकारी करेंगे आप एक बार सोचिए अगर कोई बोला कल से आपको सुनाई नहीं देगा कल से बहरे बन जाएंगे कैसा लग रहा है आपको डर लग रहा है ना हम यह दुनिया में कुछ भी सुन रहे हैं कुछ भी देख रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं हम सुन के काम करते हैं जो भी म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं हम सुन के एंजॉय करते हैं अगर वो सुनाई कम हो गया सुनाई बंद हो गया तो अपना लाइफ बहुत प्रॉब्लमेट में आ जाएगा पहली बात हम कब से सुनाई शुरू होता है हम यहाँ से देखेंगे बच्चे तब तो माँ के पेट में जब स्टार्ट होते हैं अठारह वीक से बच्चे को सुनाई शुरू होता है अठारह वीक में बच्चे को अपना माँ का हार्ट बीट और कुछ माँ के गड़बड़ पेट में गड़बड़ कुछ है वो बच्चे सुनते हैं और 26 वीक में माँ का हार्ट बीट के साथ जो भी आवाज़ बाहर से या अंदर से आए वो भी बच्चे सुन लेते हैं उसके हिसाब से बच्चे वो अंदर हिलते रहते हैं इसी वीक में बच्चे को ज़्यादा आवाज़ सुने आया या ज़्यादा नॉइज़ सुने आया बच्चा अंदर से अंदर रोते भी है और उछल के पढ़ते भी है अपना ये हियरिंग तब से शुरू होता है स्लोली स्लोली ये हियरिंग जैसा जैसा एड बढ़ते जाएगा अपना सुनाई भी बढ़ते जाएगा सुनाई को पहले ही हम क्यों फाइंड आउट करना चाहिए देखो अभी आप लोग लाइफ एंजॉय कर रहे हैं क्या कि आप लोग सुन रहे हैं इसलिए बच्चे भी आजकल के बच्चे हम देखते हैं हजार बच्चों में से कम से कम तीन से चार बच्चे ऐसे हियरिंग लॉस से पैदा हो रहे हैं सौ बच्चों में से तीन से चार बच्चे जो पैदाई से ही बीमार से पड़े हुए हैं उन लोगों को कंपल्सरी हियरिंग लॉस आता है सुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है सुनाई इसलिए इम्पोर्टेंट है तो बच्चा सुनता है तो तभी वो कुछ लैंग्वेज सीखेगा सोशलाइजन होंगे सो बच्चों के साथ मिलकर खेलेगा जो भी हम बात बोलेंगे वो सुनेंगे लैंग्वेज सीखेगा और सब के साथ मिलजुल के खेलना कूदना कुछ भी हो सुनाई से ही काम होगा अगर सुनाई नहीं दिया तो समझो बच्चा गूंगे बन जाएगा और बहरे भी बन जाएगा हम ये कुछ बोलते सुनते नहीं कुछ करते नहीं बल्कि छोड़ दे रहे थे मगर आजकल के ज़माना ऐसा नहीं है आजकल के ज़माना बहुत बदल गया है बच्चे को तब पैदा होते कि या पेट में है जब भी हम उसका हियरिंग लॉस है या नहीं हम पैदा कर सकते हैं इसलिए हम बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा मदर को बहुत ऑब्जर्व करते रहना चाहिए और जैसे बच्चा पैदा होते कि हम उसको हेयरिंग स्क्रीन टेस्ट करवाना चाहिए सिर्फ दस मिनट का काम है ये दस मिनट में उसके कान पर मशीन लगा देंगे और उसको देखेंगे कि उसको सुने आ रहा है या नहीं आ रहा है हम चेक कर लिए तो वो कान के हेयर सेल जो भी काम कर रहे हैं तो अच्छा है तो वेरी गुड हम इसको फिर से नॉर्मल ले जा सकते हैं फिर भी अगर बच्चे को पास टेस्ट पास नहीं हुआ बच्चे को तुरंत नेक्स्ट मंथ में या पंद्रह दिन से या तीस दिन के अंदर फिर एक बार दूसरी बार हम उसको हेयरिंग टेस्ट करवाएंगे हेयरिंग टेस्ट करवाने के बाद अगर उसको बच्चे को सपोज समझ जाओ उसका हेयरिंग लॉस है तो हम उसको तीसरे महीने में से उसको पूरे डिटेल ऑडियोलॉजिकल एवेलेशन करवाएंगे उसका कान का पर्दा कैसा है कान के अंदर जो भी काम कर रहे हैं हेयर सेल्स का सब चेक करके कहाँ पे लॉस है कितना लॉस है पूरा चेक करेंगे और इसके हिसाब से ऑडियोलॉजिस्ट जो भी प्रोफेशनल्स है उनको मशीन देंगे हम जितना अर्ली से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उतने ही तुरंत से उसको स्पीच तरबी दिलाना चाहिए तब हम पता चला कि अपना बच्चा बात नहीं कर सकता अपना बच्चा सुन नहीं सकता तो तभी हम उसको ये नहीं समझना कि अरे हमारे बच्चा सुन रहा नहीं ये प्रॉब्लम हो रहा है ये प्रॉब्लम हो रहा वैसे सोचना ही नहीं है डॉक्टर्स बता रहे कि बच्चे को प्रॉब्लम है सुनाई नहीं दे रहा तुरंत मिशीन लगाओ ऑडियोलॉजिस्ट को बताओ पूरा टेस्ट करेंगे जो मशीन उसको सूट होता तो मशीन लगा के अब इसको मशीन लगाते के बाद नहीं आता है बच्चों को मशीन लगाने के बाद बच्चों को स्पीच थेरेपी दिलाना चाहिए किस तरह से बात करना कैसे बात करना कहाँ से आवाज़ आता है किस तरह से आवाज़ आता है ये पूरा स्पीच थेरेपिस्ट में एक ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट बताएंगे प्रैक्टिस करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको पेरेंट्स को भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि बच्चा वो नॉर्मल बन जाएगा बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है कोई हेल्थ इशू नहीं है सिर्फ इसको सुने ही नहीं दे रहा एक बात सोचो आप लोग अगर कोई बहरा बैठा हुआ है या कोई अंधा बैठा हुआ है सुबह लोग किससे जाके बात करेंगे भैरे के साथ जा बात करेंगे बोलेगा भैरे से भरे वो सुनता नहीं कुछ करता नहीं बहुत बात बात करता ही नहीं मगर अंधे के पास जाकर सब बात करते हैं क्यों वो अंधा बात कर सकता है सोशलाइजेशन कर सकता है इसको जो जो भी उसको मालूम है बता सकता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हियरिंग को हम कैरेंट से चेक करवा लेना चाहिए चेक करवाने के बाद उसको जो है मशीन लगाने के बाद हम स्पीच थेरेपी देने के बाद उसको इसको नॉर्मल लाइफ फीडिंग करवा सकते हैं इसको अपना लाइफ ज़िंदगी दे सकते हैं इसको नॉर्मल ले सकते हैं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई जेनेटिकल इश्यूज़ नहीं है कोई तबीयत प्रॉब्लम सिर्फ सुनाई नहीं देता उसके लिए मशीन लगाएंगे उसका हेल्थ सेट हो जाएगा और उसका लाइफ अपनी वैसे नॉर्मल चले मिल जाएगा इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ अगर बच्चों को सुनाई नहीं दिया तो कैसा पहचानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब बच्चा पैदा होते कि क्या होता है अगर सोचो चार महीने के अंदर बच्चा सोया हुआ है अगर कोई बर्तन नीचे गिर उछल के पड़ रहा है या नहीं ये देखना चाहिए अगर बाजु से कोई आवाज़ आ रहा है मम्मी इसको मम्मी से बुला रही है तो पलट के देख रहा है या नहीं देखना चाहिए बच्चा ऐसे पलट के नहीं देखते जिसको सुने नहीं आता है ओके इसके बाद हम देखते हैं माँ कहाँ से बुलाती है जब बच्चा रोता है सडनली माँ बुला लेती है तो आवाज़ करती हो बच्चा उधर इधर पलट के देखता है कहाँ से हमारी मम्मी की आवाज़ आ रहा है इसका मतलब है इसको सुने नहीं आ रहा मगर जिसको सुने नहीं आता ये पूरा काम नहीं कर सकता ओके okay. और इसके बाद में बड़े बड़े आवाज़ आने के बाद भी वो उछकता नहीं कम से कम उसका आँख भी नहीं मार सकता है क्योंकि उसको सुने नहीं आ रहा उसको बॉडी भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहे हम बोलते बाय बेटा में हाथ हिलाते रहते हैं मगर वो हाथ को हिला रहे मगर उसको जो हाथ क्यों हिला रहे ये साउंड क्या है उसको समझ में नहीं आता है तो मम्मी जाके हाय बेटा हाँ बेटा ऊँ हाँ बेटा, बोलती है तो देखते रहता है मगर वो हंसी हंसना या इमोशंस करना कुछ भी करना कुछ नहीं मालूम रहता है इसलिए उसको हम कंपलसरी टेस्ट करवाना चाहिए साथ साथ में जैसा एज बढ़ते जाएगा दूसरे बच्चे के साथ नहीं खेलेगा क्योंकि उसको सुनने नहीं देगा और दूसरे बच्चे भी वो बच्चे के साथ में नहीं आने देंगे क्योंकि ये जो भी बोलता है ये सुनता नहीं ये काम करता नहीं इसको बाज हटा देंगे इस तरह से हम बचपन से ही बच्चे को अलग अलग देखते रहते हैं सोशलाइजेशन बहुत कम हो जाएगा और सोचने भी बहुत कम हो जाएगा देखो तो है अभी देखो मैं कुछ आपको बोलूँगा तो आप कोई आपसे बात करेंगे आपको सुनने नहीं आया तो क्या बोलेंगे आप क्यों क्या बोल रहे हैं मुझे समझने नहीं आया मतलब ये है जो भी आप सुन रहे हैं उसके साथ में आपको दिमाग में समझना चाहिए तभी आपको नॉर्मल हियरिंग होता है यहाँ पे यहाँ पे मैं थोड़े पेरेंट्स को मैं देखा हूँ बच्चे जो एक बार दो बार बुलाए तो सुनते नहीं सर हमारा बच्चा एक बार दो बार बुलाए तो सुनते नहीं मगर हम जब से ज़ोर से बुलाते हैं तभी तो सुन रहा है सर ये होना बल्कि कर रहा है क्या करना है गलत बात है ये थोड़े बच्चों को उन लोगों को हम जनरली ट्वेंटी डेसिबल से नॉर्मली सुन सकते हैं मगर थोड़े बच्चों को वो मुझे पता नहीं चलता वो थर्टी परसेंट के ऊपर से सुनने वाले रहते हैं हम तब चीख के जब बोलते हैं ना तब उसको सुने आता है ये बीस परसेंट लॉस उसको हुआ है वो अपन नहीं पहचान सकते इसलिए उसको कंपलसरी डॉक्टर के पास लेके जाना ही चाहिए और एक बात मैं बताना चाहता हूँ थोड़े बच्चे नॉर्मली सुन लेते हैं हम जो भी बात करते हैं जैसे छोटे छोटे बात कर लेंगे तो सुन लेते मगर इसका रिस्पॉन्स नहीं देते इसके बात नहीं करते क्यों नहीं करते उन लोगों को सुना ही आता मगर समझ में नहीं आता है ये भी एक तरफ हियरिंग लॉस है उसको भी हम ऑडियंस पर ले जाएंगे तो वो भी क्यों सुन रहा है कहाँ तक सुन रहा है और सुनने के बाद क्यों समझ में नहीं आ रहा ये भी देखेंगे और उसके हिसाब से उसको ऑपरेशन चाहिए या मिशेज लगाना चाहिए या थेरेपी से काम हो जाएगा ये पूरा देख के उसको जो भी चाहिए डॉक्टर उसका करेक्ट प्रिस्क्राइब करेंगे और उसको थेरेपी देंगे और उसको नॉर्मल लाइफ ले में लेके आ लेंगे और हम देखेंगे एक्चुअली ये हयरिंग सुनाई कहाँ से शुरू होता है और कैसे शुरू होता है हम देखेंगे तो अपने कान को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है आउटर इनर आउटर ईयर मिडिल ईयर और इनर ईयर आउटर ईयर में क्या होता है ये कान में जो भी है आवाज़ पूरे यहाँ पे पोजिस्टर करती है पूरा कफ कर लेके आवाज़ अंदर को आउटर ईयर से लेके मिडिल ईयर तक भेजेगा मिडिल ईयर में अंदर जाने के बाद कान का पर्दा रहता है जो कान का पर्दाई के हिसाब से मोबिलिटी जो होता है उसके हिसाब से साउंडस और अंदर तक जाएंगे वहाँ पे तीन बोन्स होंगे और बोन्स के हिसाब से जैसे वो बोन्स मूवमेंट होते जाएंगे उसके अंदर जाने के बाद अपने को काकुलर रहता है काकुलर में हेयर सेल्स रहते हैं वो हेयर सेल्स जो जैसे जैसे हिलते रहते हैं जैसे आवाज़ हम सुनते रहते हैं उसके हिसाब से वो हेयर सेल्स हिलते रहते हैं वो सीधा ऊपर जाके आउटर नर्व को टच करेंगे आउटर नर्व मतलब ये है कि सुनने का नर्व है वो शून्य के नर्व से लेके फिर उससे पूरा वहाँ लेके कर वहाँ से फिर अपने को ब्रेन में बेचेगा ऊपर ब्रेन में जाने के बाद वहाँ पे ब्रेन प्रोसेसिंग करेगा ये क्या आवाज़ आ रहा है कहाँ से आवाज़ आ रहा है किसका आवाज़ है कितने ज़ोर से बात कर रहा है क्या कर रहा है क्यों कर पूरा ब्रेन एनालाइज करके उसके बाद में अपने को बाहर आवाज़ बेचेगा कि अब ये बात करना है इस तरह से बात करना है इस करना है ये पूरा फिर हम बात करना बोले तो उसको पहले सुने आना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हम ये हियरिंग टेस्टिंग करने के बाद पहले हम ये देखते हैं कि बच्चे को कहाँ से कहाँ तक सुने नहीं जनरली अपन कहाँ से सुन सकते हैं बीस डिसंबर तक हम सुन सकते हैं और 250 फिफ्टी किलो हट से लेके 8 किलो हट तक हम सुन सकते हैं मगर उसके आगे 8 किलो के ऊपर नहीं सुन सकते हैं और 250 के नीचे हम सुन नहीं सकते हैं ह्यूमन बींग्स यहीं तक सुन सकते हैं अगर लास्ट इसको एक कौन सा रेंज पे हुआ है कहाँ पे रेंज वाई पर हुआ है ये कौन सा इंटेंसिटी पे हुआ है हम ये देख के हम उसके हिसाब से बच्चे को हम मशीन लगा देते हैं बच्चों को ये ऐसे मशीन देना चाहिए जो कान के पीछे के मशीन है वही लगाना चाहिए थोड़े लोग पेरेंट्स मेरे पास आके पूछते हैं कि सर हम बच्चों को कान के अंदर की मशीन दे सकते हैं नहीं कान के अंदर के मशीन नहीं दे सकते क्योंकि कान के अंदर एज बढ़ बत, जैसे बढ़ते जाएगा मशीन का वो जो साइज़ रहता है वो लूज़ होते जाएगा और नीचे गिर जाएगा उसको करेक्ट फ्रिक्वेंसीज करेक्ट इंटेंसिटीज़ में उसको सुने नहीं देता है इसलिए हम पहले उसको उसको जो हीरिंग एड चाहिए कान के पीछे का हीरिंग एड देते हैं बॉडी लेवल हियरिंग एड देते हैं ये हीरिंग एड देने के बाद उसको कंपल्सरी स्पीच थेरेपी ही दिलाना चाहिए स्पीच थेरेपी ही एक ही जो रास्ता है जो बच्चे को कैसे सुनाई देना चाहिए किस तरह से आवाज़ निकालना चाहिए कहाँ से आवाज़ आता है ये पूरे हम स्पीच थेरेपी बच्चे को बताएंगे प्रैक्टिस करवाएंगे इसी तरह बच्चे भी प्रैक्टिस पेरेंट्स भी घर में करेंगे तो वो अपने आप को एक लाइन में आ जाएगा यही एक तरीका है और इसके बाद में और नहीं हो सकता सपोज कान के अंदर कोई पार्ट्स ख़राब हो गए कोई पार्ट्स काम नहीं कर रहे अंदर के तब हम जाके हम कॉकुलर इम्प्लान्टशन बोलते हैं तब इन मिडिल ईयर और आउटर ईयर काम नहीं करेंगे तो इनर ईयर काम कर रहे हैं तो काकलर इम्प्लान्टशन बोलते हैं ये काकुलर इम्प्लान्टशन तब लगाते हैं बच्चे को जब बॉडी लेवल हियरिंग एड जो पीछे बॉडी के पीछे हम जो लगा रहे हैं कान के पीछे वो काम नहीं हो रहा है तो तभी हम काकुलर इम्प्लान्टशन जाते हैं काकुलर इम्प्लान्टेशन में ये होता है मशीन डायरेक्ट अंदर ड्रिल करके डायरेक्ट मशीन अंदर लगा देंगे मैग्नेटिक अंदर लगा देंगे और एक पीछे से मशीन लगाएंगे वो हियरिंग डायरेक्ट सुन लेते हैं और डायरेक्ट इनर ईयर को जाएगा इनर ईयर से लेकर आउटर नर्व से जाएगा आउटर नर्व से लेकर सीधा ब्रेन को जाएगा फिर वहाँ पे भी प्रॉसेंगर फिरेंगे जो भी हो कुछ भी हो हियरिंग लॉस एक बार डिटेक्ट हो गया मालूम हो गया तो आपको कंपलसरी मशीन लगाना ही पड़ेगा दूसरा रास्ता नहीं है मशीन लगाना और स्पीच थेरेपी देना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जनरली पेरेंट्स बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि सर हम मशीन लगा देने के बाद कितने साल के बाद नॉर्मली हो जाएगा कितने दिन के बाद सेट हो जाएंगे कितने दिन के बाद स्पीच आ जाएगा हम कितने दिन बाद मशीन निकाल दे सकते हैं बात एक याद रखिए एक बार हियरिंग लॉस आ गया वो ज़िंदगी भर कभी नहीं जाएगा इसको ज़िंदगी भर हमेशा मशीन लगा के ही रहना पड़ेगा एक बार मशीन लगाए तो उसको जिंदगी भर मशीन लगाना ही पड़ेगा और इसके हिसाब से स्पीच थेरेपी देना ही पड़ेगा स्पीच थेरेपी कितने दिन देना चाहिए सर कैसा देना चाह सर बहुत लोग पूछते रहे स्पीच थेरेपी बच्चे के हेयरिंग एबिलिटी कहाँ तक काम कर रहा है किस तरह काम कर रहा है और कहाँ तक कैसा ले जा सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है और बच्चे का समझदारी पे भी डिपेंड होता है और थोड़े बच्चों को जिसको ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं उसको ज़्यादा टाइम लगेगा जिसको जो कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है सिर्फ ओनली हयरिंग लॉस है तो उसका मिशन लगा के हम उसको थेरेपी दे सकते हैं कम से कम तो छः महीने से लेके कर एक साल तो कम से कम टाइम तो, तो लगेगा हम उसके पीछे से हम आराम से पेशेंट से बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना ऑडियोलॉजिस्ट उनको स्पीच थेरेपी देंगे और घर गर में आकर प्रैक्टिस करवाएंगे इस तरह से हम बच्चे को नॉर्मल लाइफ में लीड करवा सकते हैं हम ये भी सुनते हैं तोड़े लोग आके पूछते हैं कौन से कौन सा मशीन लगाना किस तरह के मशीन लगाना है पूछते रहते हैं हम पहले बच्चे को जिस तरह जो हियरिंग लॉस रहता है हम उसके हिसाब से मशीन लगा देते हैं और वो उसके साथ में जैसे जैसे उसका एज बढ़ते गया हियरिंग लॉस एक जगह रुक जाता है तब मशीन लगा देते हैं ना लगा देने के बाद मशीन उसके बाद हियरिंग लॉस एक जगह रुक जाता है ये नहीं कि फिर बाद में थोड़े तो दिन का दूसरा हियरिंग एड चेंज करेंगे रेंज चेंज करेंगे मशीन चेंज कर सकते हैं मगर उसका जो हियरिंग लॉस है उसी के तरफ हम मशीन लगा सकते हैं कि ये नहीं कि हम और अच्छे से मशीन लगाएंगे और अच्छे से मशीन लगाते हैं ये मशीन लगाएंगे नहीं नहीं जो इसको परफेक्ट सूट होता है हम वही मशीन लगाते हैं जैसे एज बढ़ते है कि हियरिंग चेंज नहीं कर सकते हाँ एक बात यह है एक बार 16 से लेकर अठारह साल के बीच में अगर बच्चे का थोड़ा बढ़ गया तो उसका हियरिंग जो कान के जो ईयर इम्प्रेशन रहता है जो होल रहता है उसको कैनाल रहता है उसका एज एक जगह आके रुक जाता है वहाँ पे हम उसको कान के अंदर का मशीन लगा सकते हैं वो भी अगर उसको वही रेंज में फिट हो सकता है सिक्सटी या सेवेंटी डी के अंदर है लॉस तो हम उसको कान के अंदर मशीन दे सकते हैं वो भी बड़ा होने के बाद बचपन में नहीं बचपन में हम बेटी ही देंगे कान के पीछे कई मशीन देंगे जो इसको सूटेबल होएगा आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतने ही हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में दूसरे टॉपिक से हम डिस्कस करेंगे थैंक यू गुड बाय